हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में वर्ब्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हमने नाउन एंड प्रोनाउन का क्विक रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उन दोनों वीडियोज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां भी से भी वो वीडियोज देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वर्ब्स होते क्या हैं? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, और यू कैन से वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस में जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जिनसे कि हमें पता चले कि हमारा जो सब्जेक्ट है या नाउन है वो क्या कर रहा है, वही हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली हमें फोकस करना है किस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन वर्ब से आते हैं बिना टेंसेस के। देखिए, सिंपली अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, ही फ्लाइज a kite, okay, and he is flying a kite. दोनों जो sentences है, इस टाइप के questions आते हैं कि इनमें से आपको जो हमारे verb है उनको underline करना है या circle करना है। तो यहाँ flies है और यहाँ is flying जो है ये पूरा ही हमारा verb है। अब ये क्यों आए हैं वो तो हम tenses में जाके सीखेंगे ही। अभी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्ब कौन सा है। तो वर्ब यहाँ फ्लाइज है और यहाँ इज फ्लाइंग है। इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बुक्स में आपको मिल जाएंगी। और सेकंड जो वर्ब की चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो इज, एम और आर बेस्ड आते हैं। कि एम तो हमें पता है, एम हम आई के साथ यूज करते हैं, इज और आर हम कहाँ यूज करते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दे डैश वॉकिंग, तो दे आर वॉकिंग, तो हमें पता है वी के साथ, दे के साथ, जितने भी हमारे प्लूरल नाउन्स हैं और प्रोनाउन्स हैं, ये प्रोनाउन ही हैं दोनों, वी एंड दे, इनके साथ हमें हमारे जो है आर आता है, प्लस यू के साथ भी हमारा आर आता है, आई के साथ एम आता है, और जितने भी हमारे सिंगुलर जो नाउन्स हैं और जो प्रोनाउन्स हैं, जैसे ही, शी, इट या किसी का भी नाम हो सकता है, उन सभी के साथ हमें इज यूज करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज एम आर के बाद, इसी में सेकंड हमारे वॉज एंड वर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यूज ऑफ वॉज एंड वर। ओके, तो वॉज हम कहाँ यूज करते हैं एंड वर हम कहाँ यूज करते हैं। अगेन, जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन्स होते हैं, उनमें उनके साथ हम वॉज यूज करते हैं एंड आई के साथ भी हम वॉज यूज करते हैं। वर जो है वो प्लूरल हमारे नाउन एंड जो प्रोनाउन्स हैं उनके साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वी, दे, और नाम भी हो सकते हैं दो लोगों के, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड शीना, उनके साथ हम यूज करते हैं। यू के साथ हम वर यूज करते हैं। ओके, इस टाइप से इंडिविजुअली आपको इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि कैसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को क्विकली रिवीजन करा सकते हैं। यहाँ आपको ना जब ये सिखाएं तो ध्यान रखिए आई और यू का, क्योंकि आई और यू जो होते हैं ना वो अपनी पोजीशंस कई बार चेंज करते रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट आप देखिए एक और टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वर्ब से बिना टेंसेस के, हम बात कर रहे हैं टेंस के लिए सेपरेट एक वीडियो में डालूंगी, वो होते हैं हैज, have and had। क्योंकि इनसे भी एक्चुअली ये भी क्या है, ये भी वर्ब ही है जो किसी चीज का पोजिशन या ऑनरशिप शो करते हैं। तो हैज कहाँ यूज करते हैं हम, हैव कहाँ यूज करते हैं एंड हैड। तो हमें पता है और हैज तो प्रेजेंट टेंस के लिए और हैड जो है वो पास्ट टेंस के लिए। तो हैड की तो कोई टेंशन ही नहीं है, पास्ट टेंस में सभी के साथ हमें हैड यूज करना होता है। पास्ट की जब हम बात करते हैं ना, पहले कोई चीज, जैसे यस्टरडे आई हैड फीवर, ओके, इस तरीके से। अब हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं, हैज जो है वो हमारे सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं हम, सिंगुलर नाउन हो गया या प्रनाउन भी हो गए। हैव कहाँ यूज करते हैं, जितने भी हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं और प्रनाउन्स होते हैं। ओके,
प्लस आई के साथ भी हम हैव यूज करते हैं एंड यू के साथ भी हम हैव यूज करते हैं। ठीक है, अब इस टाइप से आप क्विकली वर्ब्स का रिवीजन करा सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वर, हैज आएगा, हैव आएगा कि हैड आएगा, ओके, यही वर्ब के बेसिक जो चैप्टर्स है ना बिना टेंसेस के, उसमें से आता है। इस टाइप से क्विकली आप रिवीजन करा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वर्ब बेस्ड क्विक रिवीजन वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और भी किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।